नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में बक्सर सीट की। 2019 लोकसभा चुनाव में बक्सर से कौन बनेगा सांसद। पूर्वांचल के रास्ते बिहार का द्वार कहा जाने वाला गंगा किनारे बसा बक्सर संसदीय क्षेत्र बक्सर की आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक पहचान है। पुराणों में इसे महर्षि विश्वामित्र की धरती कहा गया है। यहीं चौसा में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था। अंग्रेजों की सेना ने बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेना को हरा देश में ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद रखी थी। बक्सर बिहार का भोजपुरी भाषी इलाका है। गंगा नदी के तट पर स्थित बक्सर काफी उपजाऊ इलाका है। बक्सर संसदीय क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रही है। 1996 से सिर्फ 2009 को छोड़कर यहाँ बीजेपी जीतती रही है। यहाँ स्वर्ण वोट खासकर ब्राह्मण वोटरों का काफी दबदबा है। बक्सर लोकसभा सीट से ब्राह्मण वोटरों की अच्छी संख्या है। यही वजह है कि इस सीट से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में स्वर्ण या ब्राह्मण उम्मीदवार जीतते रहे हैं। लाल मुनि चौबे लगातार 4 बार सांसद रहे। 2014 के चुनाव में भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे राजद के जगदानंद सिंह को हराकर सांसद बने। बक्सर लोकसभा सीट से स्वतंत्रता के बाद प्रथम 2 चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कमल सिंह विजयी रहे। 1977 में भारतीय लोक दल के रामानंद तिवारी को यहां से जीत मिली। 1980 और 1984 में कांग्रेस के कमल कांत तिवारी 2 बार इस सीट से सांसद रहे। 1989 और 1991 में तेज नारायण सिंह 2 बार सांसद बने। वहीं 1996 और 2004 से लगातार 4 बार बीजेपी के लाल मुनि चौबे सांसद निर्वाचित हुए। लाल मुनि चौबे 1996, 98, 99 और 2004 में बक्सर सीट से चुनाव जीते। 2009 में आरजेडी के जगदानंद सिंह विजयी रहे। प्राचीन काल में इसका नाम व्याघ्रसर था। सुप्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई सुजाव दौला और कासिम अली खा की ओर से अंग्रेज मेजर मुनरो की सेनाओं के बीच यही 1764 में लड़ी गई थी। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह क्षेत्र भगवान राम के प्रारंभिक जीवन से भी जुड़ा माना जाता है। यहाँ गुरु विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण की शुरुआती पढ़ाई हुई थी। वहीं तारका का वध राम ने यहीं किया था। यहाँ बिहारी का प्रमुख मंदिर भी है। यह क्षेत्र प्रदेश की राजधानी पटना से करीब 118 किलोमीटर दूर है। 2014 के चुनाव में पहले स्थान पर अश्विनी चौबे रहे, जिन्हें 3,19,012 वोट मिले। कुल वोटों का यह 35.92% था। दूसरे नंबर पर आरजेडी के जगदानंद सिंह रहे, जिन्हें 1,86,674 वोट मिले। प्रतिशत की बात करें तो 21.02% वोट मिले। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच वोट का अंतर काफी ज्यादा था। तीसरे स्थान पर बीएसपी के ददन यादव थे, जिन्हें 1,84,788 20.8% वोट मिले। इनमें 53.5% पुरुष और 46.5% महिला वोटर थे। वहीं हमारे चैनल के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसमें शाहबाद के सबसे लोकप्रिय मुखिया माने जाने वाले प्रमोद कुमार तिवारी जी से हमारी बात हुई कि कौन बनेगा सांसद और इसके साथ ही शाहबाद से जुड़ी विकास के कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर हमारी बात मुखिया प्रमोद कुमार तिवारी जी से हुई। अब उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 3 बार चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और शाहबाद के हर जाति धर्म के लोगों के बीच लोकप्रिय होने के कारण शाहबाद के लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता प्रमोद कुमार तिवारी माने जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो ब्रह्मपुर बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक शहर और बहुत प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक जगह है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव के मंदिर की पौराणिक कथा और देश भर से लोगों के भगवान शिव के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के लिए यहाँ आते हैं। बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर, रामगढ़ और दिनारा शामिल है। राजपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
मतदाता की बात करें तो 18,20,040 मतदाता इस क्षेत्र में है। वहीं पुरुष की बात करें तो 9,67,792 पुरुष मतदाता है। वहीं महिला 8,57,748 महिला मतदाता है। बक्सर में 19 मई को सातवें और अंतिम चरण में मतदान होगा। वहीं नतीजा 23 मई को आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।